मोटरेबल कहाँ है, मोटरेबल है ही नहीं सर आपका। आप चलिए जैसा देखिए तो मिर्जान हार्ट साइड में चलिए, आप देखिए स्थिति क्या है, मतलब जहाँ मेन रोड की बात, हाँ जी जी मेन रोड की बात कर रहे हैं सर, मेन रोड की बात कर रहे हैं, मेन रोड में जाके देखिए तो दुर्दशा, मतलब बबरगंज थाना से लेकर के आप जो है सो आइए थी शीतला स्थान चौक तक, आपको पता चल जाएगा। तो उसके लिए ठीक है, उस कंप्लेन पे मेरा जवाब ये है कि उसमें उस रोड को पथ निर्माण विभाग द्वारा बनाया जाना है। नहीं नहीं, रोड को बनाया जाना है, रोड तो बना था सर, इधर रोड तो इधर ही बनी थी, उसको तो आपने काट दिया है। सुनिए ना, वही तो बता रहे हैं कि जब हमने रोड काटने के लिए पथ निर्माण विभाग से परमिशन लिया तो उन्होंने उनका टर्म एंड कंडीशन था कि मेरा रोड है, आप काटिए, बनाएंगे हम। हाँ तो बना, उनको पैसा आपने भुगतान कर दिया, ठीक है, हमने आरजीपी को पैसा का भुगतान कर दिया कि ये रोड उनके द्वारा बनाया जाना। हाँ तो कितना भुगतान किया गया है सर? हम टोटल 9 करोड़ रुपया हम आरजीपी को भुगतान कर चुके हैं। तो वो चीज हमको बता, वही चीज हमको बोल दिया जाए कि वो रोड जो है सो हमने काटा है और उसका जो है सो भुगतान इतना हुआ है, वो फलना डिपार्टमेंट बनाएगा, उसको इतना तारीख को हमने इतना राशि का भुगतान कर दिया है। जी जी और जी जी, तो इसीलिए ना हम पहले तो बार बार समझना होगा कि आपका क्वेश्चन का हम आप इतना चीज मांग दिया है ना कि ये पेपर में पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, आप जितना चीज मांगेंगे हम उतना ही चीज देना चाह रहे हैं। दूसरी बात, आपका क्वेश्चन पहला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, हाँ। ब्रांड इंडिया द्वारा काटी गई सड़कों के रेस्टोरेशन हेतु संबंधित विभाग से जो आदेश और निर्देश प्राप्त हुआ है, हाँ। तो ब्रांड इंडिया का ही टर्मिनेटिंग प्रोजेक्ट का ये सिर्फ भाग का काम चल रहा है, नहीं। तो ऐसा कोई आदेश तो प्राप्त हुआ नहीं? नहीं नहीं नहीं, 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 पेन इंडिया के समय जो रोड काटी गई है उसके रिस्टोरेशन के लिए आपने क्या निर्देश दिया है, चाहे आप दिए हो या नगर निगम दिए हो या जिला प्रशासन दिए हो या आप जो है सो अपने ठेकेदार को दिए हो या आप अपने किसी संबंधित विभाग को, जैसे आपने बोला ना कि इसके लिए हम 9 करोड़ के द्वारा जो भी सड़क काटा गया है वो बुडको के संवेदन को हर हाल में बनाना है। नहीं तो बनाना है तो यही चीज दे दिया जाए ना, जी जी, जो भी प्राइज इंडिया का रोड काटा हुआ ये केसीपीएल अहमदाबाद की कंपनी इनको बनाना, जी जी ठीक है, आदेश और निर्देश प्राप्त हुआ, उसके छाया प्रति संबंधित पत्राचारों की सत्यापित छाया प्रति, इसमें हम आपको कुछ नहीं दे पा रहे हैं, क्या दे दें? दूसरी बात, दूसरा प्रश्न, आप नहीं नहीं उसमें उसमें सर उसमें आप दे सकते हैं, चूंकि वो पेन इंडिया के द्वारा जो रोड काटी गई है उसके संदर्भ में कुछ भी उसके एग्रीमेंट में होगा, उसका जो आपके साथ एमओयू साइन हुआ होगा उसमें होगा उसका विवरण, ऐसा नहीं कि कोई पत्र ही आपका एमओयू में होगा विवरण, कुछ तो होगा ऐसा। आपका प्रश्न ये है कि पैन इंडिया द्वारा काटी गई सड़कों के रेस्टोरेशन सर, इसीलिए हमने इसलिए हमने ये पूछा, चूंकि हमने एक आरटीआई पहले फाइल किया था तो उसमें आपके कोई स्क्यूटिव इंजीनियर कह के हमको फोन किए थे, उन्होंने बोला था कि जो पेन इंडिया का के द्वारा रोड काटी गई है उसके संदर्भ में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम जो अभी पाइप बिछा रहे हैं इसके संदर्भ में हमारा सारा काम चल रहा है, पेन इंडिया के संबंध में कोई भी बात हम नहीं बता सकते हैं, यही बताया था। तो पेन इंडिया का मामला अलग है और अभी जो वर्तमान बट रहा है वो अलग है, अभी आप बता रहे हैं कि पेन इंडिया वाला ही ये है, तो ठीक है, अच्छी बात है, तो इसीलिए तो वो मांग रहे हैं ना हम। नहीं है तो दे दीजिए ना सर कि वो संभव नहीं है देना, यही लिख दीजिए ना उस क्वेश्चन के जवाब में, रेस्टोरेशन के कार्रवाई का ब्यौरा सही संबंधित संचिका टिप्पणियों की छाया प्रति सहित उक्त की अद्यतन स्थिति से अवगत कराई जाए। जी जी, उसमें क्या अद्यतन स्थिति से आपको अवगत? जैसे रेस्टोरेशन के लिए जो आपने ये आपके पास जो कंप्लेन जो बहुत सारा गया है रेस्टोरेशन के लिए डीएम कार्यालय से भी गया है,
तो रेस्टोरेशन के लिए जो कुछ भी आवेदन गया होगा तो उसकी संचिका बनी होगी, उसमें वरीय पदाधिकारी कुछ न कुछ टिप्पणी किए होंगे, टिप्पणी करने के बाद उसके आलोक में कुछ निर्देश या आदेश निर्गत हुआ होगा, उसकी जांच उसकी कॉपी मांग रहे हैं, उसके संदर्भ में जो है सो, और वो जो निर्देश आपने दी, तो ये नहीं नहीं तो यही दे दिए ना कि सर कि इसके संदर्भ में कोई संचिका हमारे पास नहीं है और उसमें कोई भी संचिका टिप्पणी नहीं है, इसके संदर्भ में कोई भी आदेश निर्गत नहीं किया गया, यही लिख के दे दिया जाए। आदेश तो जब भी जैसे कोई कंप्लेन आया, आजकल तो जनरली व्हाट्सएप पे आता है, तो कोई व्हाट्सएप पर कंप्लेन आया तो कंप्लाई करा दी, हाँ तो वही 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 लिख, पब्लिक सर्विस में है तो आप तो काम कराएंगे। नहीं ठीक है ठीक 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 नहीं बिल्कुल, हम भी वही चाहते हैं, इसीलिए तो पब्लिक को कोई परेशानी ना हो।